छोटा उदयपुर एलसीबी पुलिस द्वारा 6 महीने पहले के दर्ज किए गए अनडिटेक्ट हत्या के गुनाह का भेद खोलते हुए अपराधी की गिरफ्तारी की गई। छोटा उदयपुर एलसीबी पुलिस द्वारा 6 महीने पहले दर्ज किए गए अनडिटेक्ट मर्डर के गुनाह का भेद खोलते हुए अपराधी की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें छोटा उदयपुर के जोज पुलिस स्टेशन में शामिल वैसे गुड़ा गांव में रहती समीता बेन ईश्वर नायका की मर्डर गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस द्वारा अपराधी की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 31 जुलाई 2021 के दिन महिला का किसी अनजान शख्स द्वारा गंभीर रूप से घायल करने के साथ सर पर तीक्ष्ण हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल करते हुए मौत के घाट उतारा गया था, तो वही उसकी लाश भी घर से बरामद की गई थी, जिसकी जोज पुलिस थाने दर्ज किए गए गुनाह अंतर्गत एलसीबी पुलिस द्वारा जारी की गई सघन तहकीकात में पुलिस ने अपराधी वैसा विक्रम नवल सिंह नायक की गिरफ्तारी की गई, जहां ये जानकारी प्राप्त हुई है कि मृतक विधवा महिला समती बेन का गांव के ही किसी अन्य शख्स के साथ नाजायज रिश्ता था, जिसका शक होते हुए भाई वैसे विक्रम नायक द्वारा अपनी बहन को कुल्हाड़ी से वार करने के साथ मौत के घाट उतारा गया, जिस अंतर्गत पुलिस ने अपराधी की गिरफ्तारी करते हुए सघन कार्यवाही का दौर जारी किया था। 2021 महीना में जोध पुलिस स्टेशन में एक मर्डर नो गुना दाखिल थेल जेनी जेमा आरोपी अंडरटेक हतो अने एनी तपास अमे एलसीबी मार्फते करावी तो एमा खबर पड़ी छे के एक आरोपी छे विक्रम भाई एने आ जे मरनार छे ए मरनार ए आरोपी नी बहन अने एना प्रेमी ने त्या शरण आपे छे एने अदावत राखी ने एने हत्या करेल हती ए बाबतनो एने कबूलात करी छे अने एने जे हथियार एमा वापर्यो हतो कोलाड़ीना એ હથિયારની પણ રિકવરી એ ક્યાંક જ્યાં જગ્યાએ એને સંતાડેલો હતો ત્યાંથી રિકવરી પણ થયેલી છે। અત્યારે એક કેસ ડિટેક્ટ થઈ ગયું છે અને આરોપી પકડાઈ ગયું છે અને જેમાં કામગીરીમાં એલસીબી અને તેના સ્ટાફને સારી કામગીરી કરી છે।